मध्य प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में दो आरोपियों को जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं अभी तक इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई के भी कुछ अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। इस महाघोटाले की परतें अभी खुलना बाकी है। फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सीहोर में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नर्स पर यह एफआईआर हुई थी। लेकिन अब डॉक्टर हरि सिंह और नर्स नेहा सोनी को जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि इस मामले में अब तक कोई जांच रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई है। जिस पर कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि 4 जून तक जाँच रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, मगर अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब देखिए, उन्होंने जून में रिपोर्ट देने के लिए कहा था नर्सिंग घोटाले का, आई रिपोर्ट 4 जून तक उन्होंने कहा था कि हम इसकी रिपोर्ट दे देंगे। अभी तो बैठक ही नहीं हो पाई उनकी, जो सदस्यों की कमेटी बनाई है। तो ये जितने भी घपले और घोटाले होते हैं, और जब भी उसमें सत्याग्रह होता है, तो इनका एक फिक्स फॉर्मेट है कि ये आयोग बना देते हैं। आयोग को ये तो पहली बार है कि आयोग की एक लिमिट भी दी है उन्होंने कि इतनी तारीख तक जांच करो, नहीं तो 50% जांच ऐसी होती है जिन जो टाइम बाउंड नहीं होती है। वहीं NSUI के नेता रवि परमार, जिन्होंने नर्सिंग घोटाले को उजागर किया, उनका कहना है कि हम फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने वाले दोनों आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और दोनों को मिली जमानत रद्द करवाएंगे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के एक नर्सिंग कॉलेज के सीहोर जिले के नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर हरि सिंह और नेहा सोनी का नाम शामिल है, जिनको हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है, जिन्होंने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी रिपोर्ट तैयार करके कई नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारी शिकायतकर्ता और जो आपत्तिकर्ता है उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उनकी जमानत याचिका खारिज करवाएंगे और उनकी सेवा समाप्ति के लिए भी मांग करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।